ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऑलरेडी ये इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में लाइट वाइट चीज़ें दी है, तो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। कंडक्टर, ओके दोस्तों, कंडक्टर मतलब जिसमें से, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो जिस भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सके तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो दो सब्सटेंस विच हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, जिस सब्सटेंस के बाद रेजिस्टेंस बहुत कम है, और रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों तो आपको पता ही है कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या होने वाला, करंट फ्लो होना है। रजिस्ट मतलब करंट को रोकने वाला बहुत कम है, और करंट को रोकने वाला बहुत कम होगा तो करंट आराम से क्या हो सकेगा, उस सब्सटेंस से फ्लो हो सकेगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन एकदम अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर, करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल में से करंट आराम से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। अब जिसके अंदर लो रेजिस्टेंस है वो है कंडक्टर। तो अब हमें इंसुलेटर मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, अब कंडक्टर आप मेटल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो दोस्तों, इस सब में से आराम से क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। और इंसुलेटर जस्ट एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टिक, और बाकी आप सब बताओ मुझे कौन कौन सा इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब इंसुलेटर मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट के फ्लो को क्या करे, रजिस्ट करे, रोके। और जिस सब्सटेंस के अंदर करंट को रोकने वाला, रजिस्ट करने वाला बहुत ज़्यादा होगा, वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसुलेटर बोलते हैं। तो हम देखते हैं जो डेफिनेशन दिया हुआ है, दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस थ्रू विच करेंट कैनॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। दोस्तों जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, और जिसके अंदर करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। दोस्तों ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में आता है, तो एकदम आराम से जिसके अंदर हाई है रेजिस्टेंस वो है इंसुलेटर, जिसके अंदर लो रेजिस्टेंस वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंडक्टर। ओके दोस्तों, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल दिया वो मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने बोला आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल पूरा एक साथ मैं करवाऊंगा, जितने पूरे टेक्स्टबुक में जो सब दिया हुआ सब कुछ करवाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लो आप। तो आप एक एक करके हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। ये करवाने से पहले आपको ओहम का लॉ हमने किया था, उससे रिलेटेड एक फार्मूला हमने बनाया था, वो क्या था, V=IR। ओके, और इसी को हम क्या बोलते थे, ओहम लॉ, V=IR, आपको याद होगा दोस्तों। तो इसके अंदर वी जो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, आई जो था हमारा करंट था, आर हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। ओके दोस्तों, तो इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है, चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ओहम, इफ द बल्ब इज फेड बाय द करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट। ओके दोस्तों, हमें दिया है कि उस फिलामेंट्स के अंदर से कितना करंट क्या होता है, फ्लो होता है। डाटा दिया है, और डाटा हम लोग एक बार देख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो हमें डाटा में, हमें जो गिवन डाटा जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 1000 ओहम, तो हमने वो लिख लिया 1000 ओहम। ओके दोस्तों, देन हमें दिया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी दिया हुआ है दोस्तों, तो हम वी लिख लेंगे, V=230 वोल्ट। ओके दोस्तों, ये भी लिख लिया हमें, और हमें फाइंड करना है I, क्या फाइंड करना है, I। तो दोस्तों इससे देख के पता चल रहा है हमें, अगर हम यहाँ ओहम्स लॉ यूज़ करें, ओहम्स का फार्मूला यूज़ करें, तो हमें आराम से I निकल जाएगा दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे एक बार मैं बता देता हूँ, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, V=IR। ओके, एक बार और इसको मैं नीचे करके बताता हूँ, V=IR। ओके दोस्तों, तो हमें क्या क्या दिया, V दिया हुआ, V की वैल्यू हम लिख देते 230 जो दिया है उसके नीचे इक्वल, I दोस्तों हमें फाइंड करना है तो I ऐसे ही रखेंगे, R हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, R हमें दोस्तों कितना दिया हुआ है, हमें R दिया हुआ है 1000 ओहम। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें I निकालना है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 1000 इक्वल की इस साइड आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 230 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। अब 0 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो नीचे 2 0 है, ओके, डिनोमिनेटर में 2 0 है, 2 0 नीचे है तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है दोस्तों। ओके, तो हमारा हो जाएगा 2 3 है, ये 2 नंबर ही बचा है, तो 1 2 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट।
तो आंसर होगा 0.23। आंसर कितना आ जाएगा 0.23। और आगे करंट हमें पूछा, इसलिए यूनिट इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, एम्पियर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। ओके तो दोस्तों एक बार और सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ फाइनल मैंने कैसे किया। देखो यहाँ यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, आर दिया हुआ, वी दिया हुआ है, और इसको फॉर्मूले की तरह चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ दोस्तों आपको बताया था वी इक्वल टू आई आर, ओके वी इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 230। ओके आई की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, हमें तो आई तो फाइंड करना, आई की वैल्यू नहीं दी है। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1000। ओके दोस्तों दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ओके 1000 मैंने लिख दिया इक्वल टू आई, ये क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 0 गेट कैंसल। आप डिवाइड में 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ऊपर 2 ही नंबर बचाओ, 1 2। तो आंसर हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 है, तो पॉइंट के बाद 1 2 यहाँ लग जाएगा, 0.23 एम्पियर। ओके करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो दोस्तों इस तरह से ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से हम निकालेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 0.23 एमीटर। ओके दोस्तों अब एग्जांपल 3 भी पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है, तो एग्जांपल 3 भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल 3 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो दोस्तों एक एक करके लिखते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है। करंट दिया हुआ आई, करंट कितना दोस्तों, 0.24। ओके अ फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी कितना दिया हुआ दोस्तों, वी दिया हुआ हमें 24 वोल्ट। ओके इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। इस बार आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम टू सेम दोस्तों वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारा डाटा हो गया। सबसे पहले इसी को लिखने का दोस्तों, ये हमारा गिवन डाटा हो गया, इसको लिख देने का। देन फार्मूला ओम्स लॉ का जो फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। ओके जो जो दिया पुट करते जाओ, वी दिया हुआ हमें कितना दिया 24, आई दोस्तों दिया हुआ है, करंट हमें दिया हुआ है 0.24 करंट इस बार दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है आर। ओके दोस्तों ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.24 इक्वल की साइड है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0.24 इक्वल टू क्या हो गया, आर। ओके दोस्तों अब दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कहाँ तक हमने लिखा था अभी तक, ज़ीरो नहीं एक मिनट, 24 अपॉन 0.24 इक्वल टू आर। तो दोस्तों ध्यान देना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर है। अगर मुझे ये पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को क्या करना है, हटाना है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर मैं 2 0 ऐड कर दूंगा, तो 2400, तो नीचे का पॉइंट हट जाएगा और ये ओनली क्या बचेगा, 24। ओके दोस्तों ये सब चीज़ें याद रखना, ये सब सिंपल वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वे होता है, तो ऐसे ही करना। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो इस पॉइंट को मुझे हटाना था, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो मैंने ऊपर 2 0 भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। या तो चाहिए दोस्तों ऊपर और नीचे आप 100 से ऊपर और नीचे 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर क्या करो, 2 0 ऐड कर दो और नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके अब देखो 24 ones are 24 और यहाँ 2 0 और है, तो फाइनली आंसर ये 2 0 और ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आर इक्वल टू 100। और जो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है ओहम। देखो दोस्तों मैंने कैसे किया, 24 ones are 24 और 24 ones are 24 और आगे क्या आ गया, 2 0 बचा हुआ तो 2 0 ऐड हो गया, तो इसलिए इस तरह से क्या हो गया, 101 था और आगे 2 0 बचा हुआ था ना, तो R इक्वल टू 100 ओहम आ गया दोस्तों। ओहम यूनिट लगाना मत भूलना दोस्तों। देखो यहाँ चेंज करके लिखा हुआ है, बट हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 100 ओहम। दोस्तों ये लास्ट का स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट होने के चांसेस पूरे हो। सो ये जो नीचे के दोनों न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सेकंड और फोर्थ, ये मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने स्क्रीन पे करवा दिया तो बहुत सारा डाउट आपके मन में रह जाएगा और मैं ही नहीं चाहता दोस्तों। देखो जब तक लॉकडाउन है मुझे ऐसे ही करवाना पड़ेगा,
और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो क्लास में तो आपको पता ही है कि कैसे हम करवाते हैं, कैसे बताते हैं, ओके। तो ये पर ये दोनों न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करवाऊंगा दोस्तों, ये दोनों न्यूमेरिकल, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज जितना मैंने करवाया इसको प्रैक्टिस करो घर पर, और फाइनली ये जो लास्ट वाला जो सीरीज़ और पैरेलल दिया हुआ है इसको भी मैं आपको बुक पे या तो बोर्ड पे करवाऊंगा, ओके दोस्तों। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।